सो निफ्टी एट ऑल टाइम हाई 23,000 पार। बट अब हमारे लिए जो बड़ा प्रश्न है कि मार्केट ने तो शायद अपना वर्डिक्ट सुना दिया है इलेक्शंस का, हम क्या ये रैली मिस करने वाले हैं या कर चुके हैं, क्या करना चाहिए मार्केट में, मार्केट का प्रोसेस और फोमो हो रहा है उसके बारे में आज इस वीडियो पर करेंगे ईशान टॉक्स। इसके अलावा ध्यान रखिए आज इस वीडियो पर हो सकता है मैं कुछ पॉलिटिकल भी हो जाऊं, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी बात करूं, बट उसे दिल पर नहीं लेना है, उसे जो है सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, सुनना है, अपनी ओपिनियन अपना डिसीजन खुद बनाना है। ना ये किसी को इन्फ्लुएंस करने का इरादा है, ना ये रिकमेंडेशन है, ये सिर्फ एडुकेशन पर्पज़ के लिए एक वन ऑन वन टॉक है और ये केवल और केवल जो है एक ओपिनियन है मेरी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। लगभग एंड तक इस वीडियो के आपकी सभी समस्याएं, आपके सभी प्रश्न और आपके दिमाग में जो कुछ आ रहा है, क्या क्यों कैसे और क्या कर सकते हैं एंड ऑल दैट, सब जो है आपको उत्तर मिल जाएगा। तो फटाफट कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ अब की बार किसकी सरकार। एनीवेज, सबसे पहले तो मार्केट का वर्डिक्ट क्या है? वेल, ये हम सबको पता लग चुका है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर 23,000 का निफ्टी कर दिया है पार। और वो लोग जो 15,000 से जो है नेगेटिविटी फैला रहे थे, आते आते देखते देखते अगर आप देखो, चार्ट्स की हेल्प हो, चाहे फंडामेंटल्स की हेल्प हो, चाहे जिस मर्जी की हेल्प हो, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर 23,000 पार। तो मार्केट का डिसीजन ये है इलेक्शंस को देखकर कि मार्केट इलेक्शंस तक जाना चाहती है एक पॉजिटिव मोड में, एक मानकर कि कंटिन्यूटी हो रही है, ये मानकर कि कहीं ना कहीं जो शॉर्ट हैं इसके ऊपर वो अपनी कवरिंग कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मार्केट जो है या स्पेसिफिक पार्टी कंटिन्यूटी की वजह से वापस आ रही है और इसमें कोई दिक्कत नहीं और मार्केट ने डिसीजन अपना सुना दिया है। अब हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मार्केट का डिसीजन ये जो है मार्केट ने सुना दिया है? क्या मार्केट के पास नया कोई पैसा आ रहा है जिस वजह से ये ऊपर जा रहा है? नहीं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये मार्केट जो है ऑलरेडी पॉजिटिव थी और इसकी चर्चा हमने हर बार जब चार्ट्स की जो है एनालिसिस किया है उस पे बात की है। इस बार अलग क्या हो रहा है, एक मार्केट जो है टस से मस होकर जो है गिरने के लिए तैयार नहीं है और ऊपर से जो है साइडलाइंस में जो पैसा है वो रेगुलर, चाहे सिप का पैसा हो चाहे रेगुलर जैसा मर्जी पैसा हो, वो धीरे धीरे कर आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट फोमो के बारे में और भी जो है आगे बात करेंगे। और बची कुची कसर जो है, क्योंकि एक इवेंट आपके सामने है और लगभग ये सभी मानकर चल रहे हैं ग्राउंड लेवल पर भी कि आपकी जो है कंटिन्यूटी सरकार आएगी, भले ही जो है 400 पार हो या ना हो, भले ही 300 पार हो या ना हो, बट एक चीज़ मैंने भी प्रीवियसली जो है डिस्कस और बात की थी कि 272 का आंकड़ा ही चाहिए बॉस। तो ये सब जो है मानकर चल रहे हैं कि अगर आप शॉर्ट रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। यस, कुछ सरप्राइज आ जाए दैट इज अनदर स्टोरी, बट मार्केट को जहां तक लग रहा है, मार्केट के पार्टिसिपेंट को जहां तक लग रहा है कि क्योंकि मार्केट ने डिसाइड कर दिया है कि इलेक्शंस तक जाने के लिए मैं पॉजिटिव रहूंगी और उस पे शॉर्ट कवरिंग का सहारा 23,000 पार ये हेल्प कर रहा है। अब इस मार्केट के डिसीजन के ऊपर हमें तो हो रहा है भाई फोमो। अब फोमो क्यों हो रहा है बॉस? फोमो इसलिए हो रहा है कि भाई ईशान तूने भी तो कहा था कि मार्केट से जो है दूर रहो, हालांकि रिस्क मैनेज कर क्या कैसे क्यों कितना वो सब जो है हमने डिस्कस किया हुआ है, बट मेजॉरिटी ऑफ दी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, मेजॉरिटी ऑफ दी जेन्युइन एक्सपर्ट्स, मेजॉरिटी ऑफ दी लोग आई एम श्योर उन्होंने यही बात की थी कि मार्केट को जब भी आपने पार्टिसिपेट करना है 4 तारीख के बाद करो। अगर कोई और जो है सुपर ह्यूमन हो जिसने कहा था नहीं सर आज ही लगा दो तो ठीक है, वो बात और हो जाती है, बट मेजर तौर पर फोमो। अब फोमो जो है इसका इलाज क्या है, क्यों है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर डर मिसिंग आउट यानी कि मिस कर देना इस रैली को, ये है वो जो जो है हर रिटेल इन्वेस्टर के आपके मेरे जो है दिमाग में भी आएगा, माइंड जो है बार बार उसे नॉक करेगा कि भाई फोमो अब जो है अब बाय कर लें। रुकिए ज़रा, ठहरिए, सब्र कीजिए। यहाँ पर हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप अगर निफ्टी 50 की बात कर रहे हो, वो 23,000 पार हुआ है, मार्केट आपकी ऑल टाइम हाई पर हुई है, तो क्या आप एक जो है इन्वेस्टर या ट्रेडर हो जो हैवी वेट्स पर रिलाई करता है या छोटे स्टॉक्स स्मॉल मिड कैप्स पर रिलाई करता है? पहले तो वो अपने आप को आंसर दीजिए। दूसरा, क्या जो आपका स्टॉक है, एक स्टॉक, 10 स्टॉक, 15-20 स्टॉक, जो भी आपके स्टॉक्स हैं, क्या वो अपने न्यू हाईज पर जा रहे हैं? अगर येस, तो क्या प्रीवियसली वो फॉल भी किए हैं कि वो ऐसे ही जो है वो कंटिन्यूएशन में जा रहे थे और आपने डर की वजह से उनमें से निकले थे? तो ये सभी कुछ आंसर्स जो है आपको अपने आप को देने होंगे।
अगर तो आप एक मानकर चलिए आप निफ्टी की रैली को देखकर जो है फोमो क्रिएट कर रहे हो अपने आप के लिए, और आप मुझे कहो कि नहीं यार मैं तो हैवी वेट या हैवी वेट स्टॉक्स वाला जो है इन्वेस्टर या ट्रेडर हूँ, मैं तो उनमें ही रहता हूँ और वही जो है भाग रहे हैं, तो दैट मीन्स आप ये तो इंश्योर हो जाइए कि हैवी वेट स्टॉक्स जो है रातों रात डबल नहीं होंगे, रातों रात 20-30% जो है ऊपर होकर सस्टेन कर ऐसा नहीं करेंगे कि वो वापस ना आए, तो ये फोमो तो आपको बिल्कुल जो है हट जाना चाहिए। तो दैट मीन्स जिस वजह से, जिन स्टॉक्स की वजह से, निफ्टी के 50 स्टॉक्स की वजह से ये मार्केट चल रही है, वो आप इंश्योर हो जाइए कि वो रातों रात 20-30-40% मल्टी बैगर्स नहीं बनते हैं, वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस कर जो है, दैट्स व्हाई दे आर हैवी वेट्स, तो वो फोमो तो हटा दीजिए। अब दूसरा फोमो रहता है स्मॉल कैप मिड कैप, अब वो स्टॉक की कैटेगरी क्या है और वो स्टॉक की कैटेगरी आपको क्या कह रही है, और अगेन कितना गिरा है, कितना राइज कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आपके हाथों से निकल गया है, दैट विल डिटरमिन कि आपको वाकई में फोमो लेना चाहिए नहीं। अगर आपका स्टॉक जो है लेट्स से जो है चलते ही जा रहा है, स्टॉक्स लाइक डिफेंसिव स्टॉक्स, डिफेंसिव नॉट शुड आई से डिफेंसिव शॉर्ट, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स, वो डिफेंस का नाम लेते ही जो है कांप जाते हैं क्योंकि वो मूव ही इतने करते हैं। एनीवेज डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स आपने अगर नहीं देखा, इन स्टॉक्स में दम की सीरीज में हमने जो है कुछ डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात की थी, उनमें से लेट से एक दो स्टॉक्स कोई भी आप मान लेते हैं, नाम नहीं लेते हैं, वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं 2000 का, 3000, 3000 का, 4000, हो सकता है 4000 का, 5000, तो अगर ऐसा स्टॉक आपको जो है कोई भी करेक्शन में मिले, सो दैट इज ऑब्वियस कि आप जिस मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हो जो करेक्ट ही नहीं कर रहा है उस स्टॉक पे, तो अगर आप पहले जो है मान रहे थे कि भाई ये अपॉर्चुनिटी देगा तो आपको वेट करनी होगी क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं आई है, अगर आप पहले उसकी रनिंग मूवमेंट में या तो आए थे नहीं आए थे या कह रहे हैं कि आप जो है उसे मिस कर गए हैं बट वो रनिंग कर रहा है, तो आपको कुछ एक्सपोजर तो उसमें लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो भी करेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं तो आपको एंटर करना होगा। साइडलाइंस पर बैठकर आप एक रनिंग स्टॉक को जो है सिर्फ और सिर्फ देखकर ये सोचना कि वो आपके प्राइस तक पहुंचेगा, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। रही बात उन स्टॉक्स की, और ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें मेजॉरिटी लोग जो है फोमो का शिकार होने वाले हैं, स्टॉक गया 200 पर, 250 पर, करेक्ट किया 150 तक, 100 तक, फिर वापस 150 तक, इस मूवमेंट को कहते हैं वॉलिटैलिटी। कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस को जो है अपने आप को स्टेबल होने दो, अपने आप को जो है उसे जो है आइडेंटिफाई करने दो कि भाई मुझे 150 पर रहना है, 200 पर जाना है, 250 पर जाना है, उसके बाद आप जो है देखिए कि क्या वो वैल्यूएशंस जस्टिफाई करती हैं स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को देखकर स्मॉल मिड कैप पे। आज की तारीख में इलेक्शंस अहेड, मैं कहता हूं इलेक्शंस के दो दिन बाद भी स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग, स्टॉक की वैल्यूएशन, स्टॉक का रिजल्ट, स्टॉक की वो सब देखकर जो है डिसाइड कीजिए। उसमें अगर आपको फोमो हो रहा है, दैट मींस आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडर हैं, वो भी पंगा लेना चाहते हो, तो टेक्निकल टर्म्स में जो है टेक्निकल्स जो है आपको स्टॉप लॉस दे देंगे, आप जो है भागती जो है दौड़ती गाड़ी में चढ़ना चाहते हो स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हो, बट इन्वेस्टर और ट्रेडर का ऐसे किसी स्टॉक्स में जो है फोमो होना बनता नहीं है, बिकॉज स्टॉक्स खुद अभी जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई उनका स्टेशन कौन सा है, स्टेशन आने दो उनका। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि स्टेशन का मतलब क्या है और आप ये पूरा सिनारियो समझ रहे हो, तो लेट देम आइडेंटिफाई द प्राइस, और ये मैं उस केस सिनारियो के बारे में बात कर रहा हूँ अगर आपके पास स्टॉक नहीं है और आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर जो है फोमो कर रहे हो, इधर उधर का सोच रहे हो एंड ऑल दैट। जिनके पास ऑलरेडी है, कुछ है मेरे ऐसे मेंबर्स जिन्होंने की मुझे जो है क्वेरीज वगैरह भी आई है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेकर बैठे हैं, उनका प्रश्न ये है कि भाई निकले कहाँ पर या इसका स्टॉप लॉस, तो उन सभी के लिए जो कि कैटेगरी बहुत कम होने वाली है आई एम श्योर, वो केवल और केवल या परसेंटेज वाइज या अपना टेक्निकल जो भी स्टॉप लॉस बैठता है वो बस हर रोज लगाकर उसके पीछे पीछे लगे रहो, क्योंकि अगर आपका स्टॉक वो इतना जो अच्छा चल रहा है, न्यू हाइज पर चल रहा है, वो इतना वॉलेटाइल नहीं होने वाला कि वो स्पाइक देकर जो है वापस निकल जाएगा, और दे भी जाएगा आपका कुछ लेकर नहीं जाएगा, आपको कुछ देकर ही जाएगा। सो आई होप ये फोमो वाला सिनारियो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और जितनी मुझे जो है मैसेजेस आए, जितने मुझे जो है जितना मैं समझ पाया फोमो का, तो मैं इतना ही समझ पाया कि यही क्वेरीज है मोटा माटी तौर पर। इसके अलावा भी फोमो के रिलेटेड कुछ और है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, बट आई होप यू गेट माई पॉइंट।
फोमो को डील करने का इरादा या फोमो को डील करने का एक सोल्यूशन क्या है। इसके अलावा भी और भी जो है बात करेंगे, वो जो है आपको लेटर ऑफ द पार्ट ऑफ द वीडियो में जो है मैं बता दूंगा कि आप जो है इसे भी टैकल किस तरह और कर सकते हैं अगर आप कर रहे हैं तो। इसके अलावा एक मेजर वरी जो हम सबको जो है कहीं ना कहीं एड्रेस करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि टू मच ऑफ कम्फर्ट। अब टू मच ऑफ कम्फर्ट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वेल हम सबको पता है हाउ इलेक्शंस वर्क, और इलेक्शंस के ऊपर ऑब्वियसली हर बंदे का अपना पर्सनल बायस हो सकता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना पर्सनल बायस हो सकता है। और स्टॉक मार्केट किस तरह काम करती है, वेल स्टॉक मार्केट आपके बिहेवियर, आपके जो है इमोशंस के ऊपर काम करती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे अभी मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट का मेजर अगर एफआईएस जो है आ रहे हैं वापस, या आपको अभी बाय दिखे एफआईएस की, इट वॉज मेजर बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग। इसके अलावा डीआईएस जो है वेटिंग इन द विंग्स, और डीआईएस जो है सपोर्ट करें, दिस ऑल इज अ इमोशनल कॉल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वैल्यूएशन अगर जो है फॉलो अप होंगी देन मे बी जो है चीजें जो है डिफरेंट हो सकती हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट के पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का ट्रिगर है और उसके ऊपर वो रिएक्ट कर रहा है। अब उस पर भी मार्केट मानकर चल रही है कि पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है और पॉजिटिविटी जो है वो सब कुछ है। बट हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, एज यू नो, जैसा मैंने अभी भी कहा कि स्टॉक मार्केट आपके बिहेवियर, स्टॉक मार्केट आपके जो है आपका जो है इमोशंस पर जो है बेसिकली चलता है। वॉट इफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वॉट इफ अगर उस दिन स्पेसिफिक तौर पर वो रिजल्ट, ईजी रिजल्ट, आई एम नॉट सेइंग कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो है रिजल्ट आ जाएगा या अगेंस्ट द मार्केट चॉइस रिजल्ट आ जाएगा, अगर ईजी रिजल्ट ही ना आए तो क्या होगा। नंबर दो, आप सभी जो है हम इलेक्शंस कर रहे हैं, वॉट इफ आज कल अगले हफ्ते इंटरनेशनल कोई टेंशन आ जाए, एक चाइना की खबर तो आए दिन आप सुन ही रहे होंगे, वॉट इफ वो ट्रिगर हो जाए, वॉट इफ अमेरिका कुछ जो है नया जो है आपके लिए सरप्राइज जो है उठाकर ले आए, वॉट इफ अगर कोई भी ग्लोबल टेंशन के साथ जो है आपको डील करना पड़े 4 तारीख या उससे पहले या उसके 1-2 दिन आसपास, तो क्या आपको ये मार्केट का सेंटीमेंट जो कि पॉजिटिव है रिजल्ट के लिए वो बचाएगा या आपकी कॉशियस अप्रोच बचाएगी। अगर आपका जवाब ये है नहीं नहीं मार्केट बचा लेगी कोई चक्कर नहीं है तो ठीक है, तो आप सही हो, चाहे आप जो मर्जी करो वो बात और है। बट वो समझदार लोग जो ये कहेंगे कि ना बाबा वो तो हमारी जो है समझदारी, हमारे कॉशियस अप्रोच हमें बचाएगी, देन आई थिंक दैट्स द आंसर कि क्यों आपको जो है इवन 23,000 की मार्केट देखकर, मार्केट को फ्लो में रनिंग देखकर जो है फोमो में नहीं जाना है। मार्केट का काम है आपकी जो है जो भाव आपको दिखा रहे हैं वो ऊपर और नीचे भी आना। आप सिर्फ ये मानकर जाओ अगर कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगी, इट्स वेरी डेंजरस। और मैं आपको बता दूं 2020 से बाद में जो आए हैं या इवन उससे पहले भी जो में भी बहुत एक्सपीरियंस अपने आप को मान सकते हैं, बट उनका बिहेवियर ये है कि मार्केट जो है सिर्फ ऐसे ही ऊपर जानी चाहिए, दैट इज अ वेरी डेंजरस अप्रोच। मार्केट को ऐसा भी देखने की आदत डालो, और अगर आप ये मानते हैं कि मार्केट ऐसे भी हो सकती है, कोई बात नहीं ऐसी जा रही है, हर दिन जो है ऊपर नीचे वाला होता है, कभी जो है दिन कभी शाम कभी सुबह कभी रात होती है एंड ऑल दैट, तो मार्केट भी आज जो है पूरा चढ़ता जो है चल रही है, कोई बात नहीं, लेट इट कम, जो है कहीं ना कहीं तो जो है आपकी जो है बेसिक सेंस जो है वो नॉर्मल आएगी उसमें। तो उस केस में, और अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर ये सारा ग्लोबल टेंशन चाइना अमेरिका दिस दैट अगर वो 4 से पहले ट्रिगर हो गया या इवन 4 के 2 दिन बाद ट्रिगर हो गया, तो क्या करेगी सरकार, क्या करेगी 4 तारीख, क्या करेगी 300-400 पार, कुछ नहीं काम आएगा उस वक्त। उस वक्त आपका कॉन्शियस अप्रोच, आपका पैसा, आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट, और जो आप साइडलाइंस पर बैठे थे या आप जो है वेट एंड वॉच कर रहे थे, जो आप नॉर्मल जो है चीज़ों को नॉर्मल तरीके से देखना जो है अफोर्ड कर रहे थे, दैट विल हेल्प यू। और बेसिक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, ट्रेडर का माइंडसेट होता है कि लव भाई मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए पैसा कमाना है। इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है कि भाई हमें जो है एक सस्टेनेबल तौर पर एक अच्छी कंपनी चाहिए, उस अच्छी कंपनी में, एक बेसिक रूल है ये मार्केट का, उस अच्छी कंपनी में हमें स्टॉक जो अच्छी वैल्यूएशंस में चाहिए और उस पर कंपाउंडिंग स्टोरी चाहिए। तो अगर आप इस वक्त आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो, कंपाउंडिंग स्टोरी आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट उन स्टॉक्स में 2-4 स्टॉक्स को छोड़कर जो कि सीधा ही मेरे दिमाग में आते हैं कि भाई वो कंपाउंडिंग स्टोरी भी है, वैल्यूएशन वाइज भी है, दिस एंड दैट, उनको छोड़कर अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या उन्हें मिलाकर शुड आई से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो बात और हो जाती है, देन यू आर एन इन्वेस्टर, इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। बट इफ यू आर, अगर आपको वैल्यूएशन में वो मिल ही नहीं रहा है कंफर्ट आपके स्टॉक में, देन व्हाई देयर इज एनी रीजन कि आपको जो है कोई भी टेंशन इसमें लेनी चाहिए। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड अगेन
डोंट मिस दिस इंपॉर्टेंट अंडरलाइन वाला फैक्ट, चाइना अमेरिका टेंशन ग्लोबल दिस दैट, वो सारी जो है हवा, या वो सारी जो है मतलब अब की बार ये पार वो पार वो सब ठीक कर देगा, तो ये जो है हमें नज़र में रखना होगा। अब एक ऐसा फुल प्रूफ जो है, जो मुझे लगता है फुल प्रूफ है, अब आई डोंट नो आपके हिसाब से है या नहीं, ऐसा क्या हो सकता है कि भाई हम जो है पैसा बनाएं भी उसमें और पैसा खोने का भी जो है ज़्यादा डर हमारे पास ना हो। तो पहले तो आपको साइड तो चुननी होगी कि आप जो है किस साइड पर हैं, आप बुलिश पॉजिटिव वाली साइड में हैं या आप न्यूट्रल वाली साइड पर हैं। और अगर आप बेरिश वाली साइड में हैं तो भाई अभी आपका जो है आपको फिर 4 तारीख की वेट करनी होगी। आप मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द लोग बुलिश साइड पर ही होंगे। लेट्स से आपके पास 100 रुपया है, अब डायरेक्ट स्टॉक्स की जगह व्हाई डोंट यू ट्राई टू गो इन बीज इवन म्यूचुअल फंड्स। आप जो उसमें अपना जो है एक्सपोजर लेकर जो है फॉर अ स्टार्ट लेट्स से 20 जो है आपने 100 में से जो है 20 या ETF लिया या जो है म्यूचुअल फंड लिया एंड ऑल दैट, मे बी 30 अकॉर्डिंग टू जो भी आपका जो है सोर्स और आता है, आप ये जो है लगाकर आराम से बैठे हैं और लेट द टाइम कम ऑफ द डिसीजन। उस डिसीजन के बाद जो है आप चाहे फंड वगैरह जो है उसमें ऐड ऑन कीजिए, चाहे खुद जो है पर्सनल जो है स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में उसमें ऐड ऑन कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी पार्टिसिपेशन भी होगी और आपके पास जो है डिप्लॉय करने के लिए पैसा भी होगा। और ये मानना कि वन साइडेड ही हो रहा है, वेल अब मैं अपनी थोड़ी सी पॉलिटिकल बायस जो है या पॉलिटिकल ओपिनियन इस चीज़ में जो है लाना चाहूँगा। अब सबसे पहले लेट्स से कि फील्ड पर क्या हो रहा है वर्सेस जो है मेरा पर्सनल जो है जो मैंने पता किया है या जो मैंने सुना सुनाया है वो क्या है। वेल एज पर मी जो वो 400 पार वाली कहानी थी, आई डोंट नो यू एग्री और नॉट, वो तो मतलब भूल जाओ फिलहाल के तौर पर भूल जाते हैं। यस कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया है कि शायद ये 272 भी ना जो है अचीवेबल हो एंड ऑल दैट, दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर 272 नहीं होएगी 250 होएगी 260 होएगी, करते करते जुगाड़ तोड़ाड़ से जो है 272-273 वाला आंकड़ा पहुंच जाएगा। दैट मीन्स इवन अपोजिशन वाले भी ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी इवन अगर स्ट्रगल भी करेगा तो स्ट्रगल इतना ही करेगा कि 250 240 260 कुछ इतना, और वहां से 272 तक आना इट वोंट बी मच ऑफ अ डिफिकल्टी फॉर अ पार्टी लाइक बीजेपी। सो दैट मींस जो मुझे पता लगा है कि फाइट पूरी जो है बराबरी की, शुड आई से फाइट जो है पूरी तकड़ी होगी, नॉट शुड आई से बराबरी की, तकड़ी फाइट होगी। पिछली बार की जितनी इतनी जो है बहुत जो है 300 समथिंग जो है जो भी सीट्स थी एंड ऑल दैट, वो भी शायद इस बार ना हो। और इवन कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर सो कॉल्ड मैन्यूपुलेशन वाला जो है सिनारियो ना हुआ तो आप मानकर चलिए कि 272 नहीं आने वाला, फाइट अच्छी होगी, उसके सिनारियो में मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगी। अब इस सिचुएशन में या इसके सिनारियो में एक ब्रॉडर पिक्चर जो है मार्केट की लेते हैं, 23,000 पर निफ्टी है लेट्स से एग्जांपल, क्या निफ्टी यहाँ से 24, 25, 26 जा सकता है? वो जाने को तो चाहे 30 भी जा सकता है, बट क्या उस फ्लो में जा सकता है? दैट इज़ अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी, दैट्स अ वेरी रेयरिटी। सर्किट सुरकर लग जाएंगे वो, उसके लिए आई थिंक आपको सीट्स काफ़ी होनी चाहिए, वो अभी फिलहाल के तौर पर पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। बट अगर आप इसी चीज़ को, अगर मैं गलती हूँ 17, 18, 19 से जो है 19 से जो है अच्छा पुश मिला है, तो क्या 19 और 23 प्लस एक और लगा लूँ 24, क्या ये वो एक बैंड है जहाँ तक जीतने के बाद नीचे रिएक्शन के बाद मार्केट अपने आप को जो सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड जो पोटेंशियल लेकर गया है उसे करेक्ट कर सकता है? दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी टू। सो आपको इलेक्शन के बाद जो है अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज की सरकार या तो पूरी तरह से नहीं बन पाई है फिलहाल, और अल्टीमेटली वो बना तो लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज दे नो द वेज, सरकार जो है या सीट जो है उस कंफर्ट से नहीं आती हैं, लेट्स से 270, 80, 90 इस कंफर्ट से नहीं आती है, तो मार्केट विल जो है अपने आप को थोड़ा सा ईज डाउन करेगी। दैट विल बी अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द स्टॉक्स जिनके ऊपर जो है आप अपनी विशलिस्ट लेकर बैठे हैं, जो आप जो है अपनी जो है आपको लगता है कि ग्रोइंग स्टोरीज एंड ऑल दैट, और जो आपको लगता है कि वैल्यूएशन वाइज भी आपके लिए ठीक है। बट अगर आपके अगेंस्ट वैलेट से 350 सीट आ गई और मुझे अगर 400 पार ही हो गया तो आपको मार्केट वो अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, रिलैक्स, वो अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलेगी, स्टिल मार्केट इज अ ग्रेट लेवलर, वो आपको अपॉर्चुनिटी वो आपको जो है आकर न्यूट्रल आकर जो है देगी। आप इवन एग्जांपल एक बहुत बड़ी एग्जांपल लेता हूँ जो आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगी, उसके बाद जो है समाप्ति करते हैं। मार्केट 15,000 से एग्जांपल के तौर पर 16,000, 17,000, 19,000, 22,000, 23,000 क्या इस डायरेक्शन में गई? सरकार तो वही है, सरकार आएगी तो रिएक्शन तो वही रहेगा ना,
तो वहां पर अगर जो है 15 वाला 17 पर गया वो करेक्ट किया 16, 16 वाला 18 पर गया करेक्ट किया 15, 15 से वापस जो है 19 गया करेक्ट किया 18, फिर वापस 21 22 तक गया करेक्ट किया 19 20, फिर ऐसा ऐसा करके उसने जो किया, तो वाई नॉट अगर वो 25 पे जाएगा तो वापस आपको 23 की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर वो 23 24 के आसपास ही जो है ऐसा कुछ आता है तो क्यों नहीं 21 तक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर ये ना समझना कि अब 14,000 आ जाएगा 12,000 आ जाएगा, बिकॉज दैट वॉज द रीजन आप लास्ट टाइम जो है डिप का एडवांटेज नहीं उठा पाए थे। 15,000 पर आपको 12,000 चाहिए था, 16,000 पर आपको जो है 13,000 चाहिए था, 18,000 पर आपको वापस 15,000 चाहिए था, 20,000 पर आपको वापस 16,000 चाहिए था, 23,000 पर आपको जो है चाहिए 17 18 19 2, तो ये वाला सिनेरियो उस वक्त ना करना। तो आई होप आज जो है ये वीडियो जिसमें निफ्टी 23,000 पार, इसमें मेजर तौर पर बात तो हमने सारी कर दी, इसके अलावा आज हम ये बात कर सकते हैं जो हमने की एंड ऑल दैट, इसमें भी जो है आई थिंक हमने डिस्कस किया है कि क्या किया जा सकता है। बट लेट मी रिमाइंड यू, हमने इससे बहुत पहले लेट से 1-2-3-4 हफ्ते पहले व्हाटएवर हमने पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस की थी, मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर सकते हैं एंड ऑल दैट। उसमें एक मेजर जो है स्ट्रैटेजी का पार्ट था गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आप सिर्फ वहाँ पर भी होते ना परसेंटेज वाइज, एक महीना देख लो, मैं 6 महीना नहीं कह रहा हूँ, एक महीना देख लो, उस हिसाब से जो है आप एनालाइज कर लो कि प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको रिवॉर्ड कितना मिला, कितना मिल सकता था। नंबर दो, अगर आप सिर्फ 20 में होते, 20 में आपको रिवॉर्ड पिछले 10 दिन 20 दिन 30 दिन क्या मिला, उसके बाद एनालाइज कीजिए कि क्या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर कि आपको उतना रिवॉर्डिंग सिचुएशंस मिली, या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस और डिसेंट तरीके से भी आप पैसा बना सकते थे पिछले एक महीने में, जहां वॉलीटैलिटी भी थी, जहां डर भी था, जहां फियर के साथ साथ जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, जहां न्यू ऑल टाइम हाई भी है। बताइए कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और डिस्क्लेमर के तौर पर ये सब कुछ अगेन एडुकेशन पर्पस, एक सिर्फ और सिर्फ मेरी ओपिनियन, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, क्या करना है क्या नहीं इन्फ्लुएंस करने का कोई इरादा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो कुछ है मेरी पर्सनल ओपिनियन है, दैट्स इट, आप मानिए ना मानिए दैट्स अप टू यू। अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमेशा चैनल पर टीम पार्टिसिपेट कीजिए ऐसा नंबर नहीं। और वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पर तैयारियां कर लीजिए, इन स्टॉक्स में दम की, नेक्स्ट पार्ट्स नेक्स्ट थीम्स का भी। बाय बाय, टेक केयर।